बड़सर के बेडू चमन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में चमन लाल शर्मा की 38वीं जयंती मनाई गई। चमन लाल शर्मा पेशे से वकील, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और आरएसएस के लिए अपनी सेवाएं दे चुके थे। सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। 3 जुलाई को चमन लाल का जन्मदिन होता है, जिस कारण यह संस्थान 3 जुलाई को चमन लाल जयंती के रूप में मनाते हैं। इस कार्यक्रम में खेल एवं परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करनी थी, मगर मंडी में रेसलिंग प्रतियोगिता के चलते कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए, जिस कारण नदौन के पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। चमन लाल को श्रद्धांजलि देने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 2 दर्जन लोगों ने रक्तदान किया। इसके अतिरिक्त जरूरतमंद 100 लड़कियों को, जो सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रही है, उनको कॉपियां और लेखन सामग्री वितरित की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि विजय अग्निहोत्री ने कहा कि चमन लाल शर्मा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। चमन जैसे कार्यकर्ताओं से आज के युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए कि देश के लिए जिए और देश के लिए मरे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता पूर्णकालिक स्वर्गीय चमनलाल शर्मा जी की आज जयंती है, और उस उपलक्ष्य में यहां के चमन सेवा संस्थान द्वारा, यहां के पूर्व कार्यकर्ताओं द्वारा हर वर्ष कार्यक्रम किया जाता है। इस कार्यक्रम में आज हमारे परिवहन एवं वन मंत्री श्री गोविंद ठाकुर जी ने आना था, लेकिन मंडी में जो कल कार्यक्रम है उसकी व्यस्तता के कारण से उनका यहाँ आना रद्द हुआ, जिसके कारण मुझे मेरी ड्यूटी लगी है, मैं आया हूँ। मैं यही इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि चमन जी जैसे कार्यकर्ताओं के जीवन से आज के युवा को प्रेरणा लेनी चाहिए कि खाओ पियो मौज करो और मर जाओ ही जिंदगी नहीं है, ये जीना और मरना, देश के लिए जिए और देश के लिए मरें, ऐसी प्रेरणा उनका जन्म देता है, जीवन देता है। इस करके मेरा सबसे यही निवेदन है कि इस गर्मावय अवसर पर हम ये संकल्प लें कि हम केवल अपने बारे में न सोचें, देश और समाज के बारे में भी सोचें। चमन सेवा संस्थान एक सामाजिक संस्था है, और चमनलाल शर्मा जी जो एडवोकेट थे, उसके बावजूद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और आरएसएस के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए अपनी सेवाएं दे रहे थे। पूर्णकालिक के नाते विभाग संगठन मंत्री, विद्यार्थी परिषद के मंडी विभाग में कार्य कर रहे थे। एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में 2015 में इस ट्रस्ट की स्थापना की थी, और इस ट्रस्ट को हम लोग निरंतर चला रहे हैं। 3 जुलाई को माननीय चमन जी की जयंती होती है, जन्मदिन होता है, जिसको हम चमन जी की जयंती के रूप में मनाते हैं, और हम उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए एक ब्लड डोनेशन कैंप, रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। तो जरूरतमंद 100 बच्चियां सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली हैं, उन बच्चियों को स्कूल बैग और स्टेशनरी आदि भी देने का प्रयास कर रहे हैं। एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया जा रहा है, ताकि जिन लोगों ने इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, हम उस व्यक्तित्व को याद कर सकें और समाज जो है उनके ऋण को चुका सकें।